हेलो दोस्तों, तो आपके सब्सक्राइबर व्यूज डाउन चल रहे हैं, सब्सक्राइबर व्यूज रुके हुए पड़े हैं, तो आपको बस से YT स्टूडियो की दो सेटिंग वन करना सीख लो, नहीं तो वरना आप बहुत पछताओगे। अगर आपको YT स्टूडियो की सेटिंग करना नहीं आता है ना, तो आपके सब्सक्राइबर व्यूज कभी नहीं बढ़ेगा, चैनल को यूट्यूब ग्रो भी नहीं करेगा। तो अपन YT स्टूडियो से सब्सक्राइबर व्यूज कैसे बढ़ाइए, इस वीडियो में अपन डिटेल्स में बात करेंगे। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले अपना YT स्टूडियो एप्लीकेशन ओपन करना है, ठीक है। जैसे अभी मैं अभी बता देता हूं आपको, अपन को उससे क्या होता है, ये दो सेटिंग वन करने से अपन का चैनल पे बहुत इफेक्ट पड़ता है दोस्तों, बहुत ज्यादा ग्रो होने के चांस रहते हैं। ये दो सेटिंग आप वन कर लो, ठीक है, उससे आपको दो फायदा मिलेगा। फर्स्ट सेटिंग रहेगी सब्सक्राइबर बढ़ाने की, सेकेंड सेटिंग रहेगी व्यूज बढ़ाने की, ठीक है। सबसे अलग तरीका है, बेस्ट तरीका है, आपके चैनल पे व्यूज और सब्सक्राइबर रहेगा उसका आपको पता भी नहीं चलेगा कब अपने चैनल पे सब्सक्राइबर व्यूज बढ़ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलो चलते हैं मोबाइल की होम स्क्रीन। तो दोस्तों, सब्सक्राइबर व्यूज बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ से अपना YT स्टूडियो एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे अपना YT स्टूडियो एप्लीकेशन ओपन होता है, तो आपको इस नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको कंटेंट वाला, तो इस कंटेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे आप कंटेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो, उसी के बाद में यहाँ पे थ्री डॉट वाला ऑप्शन आता है, तो इस थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो, तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद में अब यहाँ पे ध्यान से देखना दोस्तों, ठीक है। पहले व्यूज बढ़ाने की अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। तो उसी के बाद में आपको यहाँ पे सॉर्ट बाय का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो सॉर्ट बाय में आपको दो ऑप्शन हो रहा होगा, ठीक है। तो इस पे आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसी के बाद में आपको वेबिलिटी में जाना है। वेबिलिटी में यहाँ पे आपके कोई सा भी टिक नहीं हुआ रहेगा, तो आपको यहाँ पे एक पे टिक करना है। वो कैसे करना है, यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट अनलिस्टेड और ये यहाँ पे ड्राफ्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको यहाँ पे पब्लिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे वेबिलिटी पे आप पब्लिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो, तो इससे अपना वीडियो क्या है जो पब्लिक हुआ रहेगा, ठीक है। बहुत सारा का प्राइवेट में अपलोड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद में दोस्तों, व्यूज बढ़ाने की सेटिंग यही से ही होती है। जैसे व्यूज वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे मोर 10 और लॉस 10 पे दो ऑप्शन हो रहा होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मोर 10 कर रखा है, क्योंकि मोर 10 करोगे तभी आपका व्यूज बढ़ेगा, अगर लेस 10 करोगे तो आपका व्यूज घट जाएगा, ठीक है। तो इस पर आपको मोर 10 पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे आपके सामने दूसरा आता है रिस्टेट कंटेंट का, ठीक है। तो इस पर आपको चार ऑप्शन शो होता है, एक तो ये मेड फॉर काइट का, और एक सेट मेड का, और एक ये नॉट मेड का, और एक नॉट सेट का, ठीक है। तो इस पे आपको अपनी तरफ से चूज करना होता है अपना वीडियो किस कैटेगरी का है, और किस पे अपन किस कैसे लोगों के पास अपन इसको भेजना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे बड़े लोगों के पास भेजना चाहते हैं या छोटे लोगों के पास, ठीक है। तो इस पे तो आपके हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसी के बाद में यहाँ पे आपको नीचे अप्लाई वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपका व्यूज वाला सेटिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसी के बाद में आपको यहाँ पे कमेंट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो इस कमेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप कमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो, तो बहुत सारे लोगों के तो अभी ये सोच रहा होगा कि ये तो कमेंट बता रहे हैं, यहाँ से तो अपन कमेंट देते हैं। नहीं भाई, यहाँ से बिल्कुल कमेंट नहीं देते, यहाँ पे अपन की सब्सक्राइबर बढ़ाने वाली सेटिंग वन होती है। तो उसी के बाद में आपको यहाँ पे थ्री डॉट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पे फिल्टर्स वाला ऑप्शन आएगा। उसी के बाद में यहाँ पे कमेंट टाइप वाला ऑप्शन आएगा, तो आपको इस पे यहाँ पे दो ऑप्शन हो रहा होगा, तो आपको इस पब्लिश वाले ऑप्शन पर ही क्लिक रहने देना है। अगर आपको यहाँ पे पब्लिश नहीं हो रहा है, तो आपको इस पर टिक कर देना है। उसी के बाद में आपके सामने यहाँ पे नीचे तीन ऑप्शन हो रहा होगा, तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसी के बाद में आपको यहाँ से नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते हो, तो अब ये सर्च फॉर वाला ऑप्शन ही नहीं, यहाँ पे ध्यान से देखना दोस्तों, ये सर्च फॉर वाला ऑप्शन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे आपको वो टॉपिक सेलेक्ट करना है जिस प्रकार का अपन का वीडियो रहता है ना,
उसका फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे लगा देना है आपको, ठीक है। आपका बहुत ज्यादा वायरल हो जाएगा वीडियो। उसी के बाद में आपको यहाँ पे नीचे दो ऑप्शन हो रहा होगा, एक तो एक ये वाला और एक पब्लिक सब्सक्राइबर वाला। तो आपको इस पब्लिक सब्सक्राइबर वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है, क्योंकि आपका सब्सक्राइबर पब्लिक रहेगा तभी तो सब्सक्राइबर बढ़ पाएगा। अब बहुत सारे होते हैं जो ये ऊपर वाले पर टिक करते हैं तो उसका पब्लिक सब्सक्राइबर हुआ ही नहीं रहता है, तो कोई सब्सक्राइबर कर ही नहीं पाता है। तो आपको पब्लिक सब्सक्राइबर पर यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो दोस्तों, ठीक है। जैसे ये सब्सक्राइबर काउंट वाला ऑप्शन है, इसका मतलब क्या होता है, कैसे सब्सक्राइबर काउंट करवाने होते हैं जिससे अपन का सब्सक्राइबर बढ़ता है, बहुत सारों को पता नहीं है ये सेटिंग। YT स्टूडियो के अगर आप ये दो सेटिंग ऑन कर देते हो ना, तो आपके चैनल पे सब्सक्राइबर व्यूज अच्छे से आने लग जाएगी। या छोटा चैनल हो या बड़ा चैनल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, ठीक है। छोटा चैनल पे अगर ये सेटिंग ऑन करते हो तो बहुत ज्यादा आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। उसी के बाद में यहाँ पे सो रहा होगा 100 सब्सक्राइबर वाला, 1 के सब्सक्राइबर वाला, 10 के सब्सक्राइबर वाला, 100 के सब्सक्राइबर वाला, 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाला और 10 मिलियन सब्सक्राइबर वाला। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ये गलती नहीं करनी है कि अपन डायरेक्ट 100 के सब्सक्राइबर पर टिक कर दें, नहीं। जैसे आपके चैनल पे सब्सक्राइबर है ना, वैसे अपन को यहाँ पे टिक करना होता है। उसी के बाद में अपन फिर नेक्स्ट पॉइंट को फॉलो करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे 100 सब्सक्राइबर हैं, अगर आपके चैनल पे 1 से और 100 के बीच में सब्सक्राइबर है ना, तो आपको इस 100 वाले सब्सक्राइबर पर टिक करना है। उससे क्या होता है, अपन को यहाँ पे सब्सक्राइबर काउंट 100 का टारगेट कंप्लीट कर लिया गया है, तो आपका चैनल पे 100 सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे आपके 100 से ज्यादा हो जाते हैं तो यहाँ पे आप 1 के वाले को सिलेक्ट कर लेना है, और 1 के हो जाने के बाद में आपको 10 के वाले को सिलेक्ट कर लेना है, और 10 के हो जाने के बाद में आपको 100 के वाले को सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप पे आपको सर्च करना है, यहाँ पे आपको टिक करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टिक कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मेरे 10 के से और 100 के से सब्सक्राइबर से कम है, तो मैं यहाँ पे 100 के वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। उसी के बाद में आपको यहाँ पे नीचे अप्लाई वाला ऑप्शन हो रहा होगा, तो इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पे आपका ये यहाँ पे प्रोसेस होने लग जाएगा, थोड़ी देर बाद में अपना कंप्लीट हो जाएगा, मतलब थोड़ी देर में अपने चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करना, ठीक है दोस्तों। तो आप इसी ट्रिक से अपने चैनल पर सब्सक्राइबर व्यूज बढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छी ट्रिक है। अगर 2 सेटिंग ऑन कर देते हो आप, तो आपके चैनल पे अच्छे खासे व्यूज आने लगेंगे और सब्सक्राइबर भी बढ़ने लगेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।